गुरुजी प्रणाम। भगवान सुखीर के साहू जी बताइए। 30 जनवरी 1967 4 से 5 बजे सुबह जी यही है जी। आपकी कुंडली को जांचते हैं जी गुरुजी। आपकी कुंडली अगर सही है जी तो बड़ा सुंदर बड़ा फिट बैठता है। दोस्त बन बन के मिले हमको मिटाने वाले, अपनों ही ने आपको बुद्धू बनाया, सही है कि गलत जी गुरुजी? जिनसे मित्रता की या जिनको मित्र माना उनसे नुकसान मिला जी, सही है? सही है गुरुजी। कुंडली के अनुसार आप जब छोटे थे जन्म हुआ था, आपके जन्म के बाद आपकी माता जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा था, सही है कि गलत जी गुरुजी? सही बात है जी। आपका जो ननिहाल पक्ष है यानी मामा पक्ष जी, आपके मामा के यहाँ नाना के यहाँ आपने देखी बकरी पली थी, बकरियाँ थीं। ख्याल करें, गौर करें, फिर जवाब दें। आपके नाना पक्ष में जिसको ननिहाल कहते मामा पक्ष जी गुरुजी, सही बात है जी। कुंडली ये बताती है कि आपको शरीर से संबंधित सुख स्वास्थ्य का सुख जरा कम रहता है जी, सही बात है जी गुरुजी। ठीक है, कुंडली के अनुसार आपका जो धन है पैसा है, आपका पैसा आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहता, ऐसा है क्या जी? सही है जी। किसके अधिकार में? वैसे कुछ नहीं है, मेरे पास टिकता ही नहीं है पैसा, कितना भी करूं कुछ भी करूं पैसा मेरे पास ठहरता नहीं है, और कोई ले जाते हैं वो वापस करते नहीं है। एक उदाहरण के लिए जी, एक पति है वो अपनी पत्नी को पूरा पैसा लाके देता है, ठीक है, तो उस पति का पैसा उसकी कुंडली दर्शाएगी कि पूरा का पूरा पैसा पत्नी के पास रहता, ठीक है ठीक। और एक पति है जो अपनी पत्नी को 1 रुपये रखने नहीं देता, करोड़ों का मालिक, दो तरह के लोग होते जी, पैसा बहुत है, तो उस पत्नी की कुंडली जिसका पति नहीं देता, उस पत्नी की, उस बहू की कुंडली, बेटी की कुंडली ये दर्शाएगी कि उसका जो भी पैसा है वो पति के अधिकार क्षेत्र में रहेगा, पति के अधीन रहेगा, समझ गए आप जी? मतलब वो उसके ऊपर उसका अपना अधिकार नहीं होगा, पति का अधिकार हो। तो आपके पैसे पर किसी और का या घर वालों का अधिकार रहता है? नहीं। आपका ही अधिकार रहता है जी, बस ये रहता है कि आपका चला जाता है तो लौटता नहीं, नहीं तो दूसरे का अधिकार रहता जी, इसके यहाँ गया जी तो गया जी, और आपके पास टिकता नहीं जी, तो पर आपके पास नहीं है पैसा, मतलब हमारी जीव तो सही है, कुंडली सही है जी। ठीक है, सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं गुरु जी? व्यापार को लेके मुझे कभी भी ढंग से एक ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया मैं। कोई भी काम करूं उसमें सफलता मुझे मिलते हुए दिखती है पर मिलती नहीं है, है? किसी भी कार्य में मन चाहे सफलता मुझे प्राप्त नहीं कर पाता हूं, मतलब एक ऊंचाई तक या एक मंजिल को छू लूं हाँ, ऐसा होता नहीं है, रुकावटें बहुत आती है गुरु जी, बाधाएँ बहुत रहती हैं। आपको संतान जो प्राप्त हुई क्या विलम्ब से प्राप्त हुई या 1.5 साल के अंदर शादी के बाद? हाँ, 1 साल के अंदर। क्या 1 साल के अंदर? 1 साल में, 1.5 साल के अंदर संतान प्राप्त हो गई जी। एक चंद्रमणि रत्न धारण करें जी, इससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी जी गुरु जी। अच्छा, किसी मृत व्यक्ति की पूजन करते हैं क्या आप? नहीं गुरुजी। सुनिए, कोई बाबा, कोई गुरु, कोई साधु संत, कोई फकीर, कोई घर के दादा नाना, कोई भी हाँ, क्या आपके पूजा घर में इनकी फोटो है या आप इनकी पूजा करते हैं? आपके व्यापार में बहुत बड़ी बाधा है इसलिए पूछ रहे जी। ऐसा है जी, जी। किसकी करते? श्री माली जी है, साईं बाबा है। और कौन? साईं बाबा और श्री माली जी है, नारायण दत्त श्री माली जी। और बस दो ही हैं जी। इनकी पूजन कब से शुरू किया आपने? काफ़ी दिन हुए गुरु जी। नहीं, काफ़ी दिन नहीं, लगभग कितना समय?
सर 90 से ऐसा बोल सकते हैं, 90-93 से। 93 से जी, तो बहुत साल हो गए जी गुरुजी। और आप परेशान कब से हैं? परेशानी में बहुत दिनों से हूँ गुरुजी। आप ये बंद कर दीजिए जी। आप बंद कर देंगे तो 5वें महीने से सफलता मिलने लगेगी जी गुरुजी। हालांकि आप करेंगे नहीं क्योंकि भाग्य प्रबल है। अच्छा एक सवाल पूछे, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछे गुरुजी। फिर से कह रहे, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं। ये लक्ष्मी जी हैं जी, गणेश जी, दुर्गा जी, राम जी, शिव जी, हनुमान जी, सभी लोग सुनना थोड़ा हमारी बात को गौर से जी गुरुजी। ये गंभीर विषय है क्योंकि आप जो करेंगे, देखो हम आप सबको एक आंख कान खोल दे बड़े काम की बात बताएं, आप जो करेंगे वो सिर्फ आप अकेले नहीं कर रहे, आप वह आचरण आने वाले समाज को देकर जा रहे हैं। समाज का मतलब आपके बच्चे, नाती नतरे, जो भी परिजन और समाज में देखने वाले। हम ये पूछते हैं, हमारे भगवान, हम भगवान की बात करते हैं, हमारे भगवान क्या नहीं दे सकते? एक सवाल, हमारे भगवान के हाथ में क्या नहीं है जो नहीं दे सकते? अगर वो नहीं दे सकते तो हम किसी की पूजन करें? दूसरी बात, एक तरफ भगवान को बिठा लो, एक तरफ नारायण दत्त श्रीमाली को बिठा लो, और एक तरफ साईं बाबा को बिठा लो, जो भी। अब आप तुलना करो किसकी पूजन करनी चाहिए, खुद सोचो। हमने पहले कहा था बुरा नहीं मानना। बिल्कुल बुरा नहीं मानना। आपने गुरुजी कहा है तो हमारा धर्म है हम आपको आपके हित की सलाह दें जी गुरुजी। अब मानना और ना मानना, मैं मानूंगा गुरुजी, वो आपके ऊपर है जी। पर ये बताइए कि हमारे भगवान क्या नहीं दे सकते? सब कुछ दे सकते जी। कोई भी देवी देवता जो चाहो वो दे सकते। फिर हम उनको छोड़कर किसी अन्य की पूजन क्यों कर रहे हैं, ये गलत है कि नहीं बताइए? भगवान छोड़कर किसी की पूजन करना चाहिए? अगर हमारे विचार से सहमत हैं कि भगवान की पूजन करना चाहिए किसी और की नहीं, तो हाथ उठाएं। कितने लोग हमारे विचार से सहमत हैं? लगभग सभी सहमत हैं, कुछ और कम सहमत। ठीक, तो अपन को क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा करना चाहिए। अरे देखो एक अच्छी बात बताएं, ये पुराण में लिखा है, वेद की बात कर रहे हैं, जिसकी पूजन करेंगे मरने के बाद उनके लोक में रहना पड़ेगा। नारायण की पूजन करेंगे तो वैकुंठ लोक जाएंगे, शिव की पूजन करेंगे तो आप शिव लोक जाएंगे, देवी की पूजन करेंगे तो साकेत धाम जाएंगे, और किसी मरे हुए मनुष्य की पूजन करेंगे तो ता उम्र जन्म जन्म मर घटाई में भटकेंगे, क्योंकि मरने वाले को भूत कहते हैं और मृत व्यक्ति कहलाता है प्रेत। मृत व्यक्ति कहलाता है प्रेत, चाहे हमारे बाप दादे हों चाहे आपके किसी के बाप दादे, जिसकी मृत्यु हो गई है वो प्रेत आत्मा है। अगर प्रेत नहीं है, हमारी बात को गौर करें, अगर मरने वाला प्रेत नहीं है तो पिंड दान क्यों करते हैं? पिंड दान किया ही इसलिए जाता है कि प्रेत योनि में चला गया जो दुनिया से चला गया, चाहे अकाल मृत्यु हो चाहे सामान्य मृत्यु हो। तो हमें किसी को, शास्त्र कहते हैं एक घर में दो शिवलिंग, दो शंख, दो सूर्यंत, तीन गोमती चक्र, तीन गणेश, मरे हुए आदमी की मूर्ति फोटो, कोई गुरु साधु संत बाबा फकीर, इनकी पूजन नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों की बात प्रमाण दे सकते, वेद में लिखा, वेद में, और वेद भगवान के मुख से निकले, गलत नहीं हो सकते। ठीक है जी गुरुजी। खंडित वेद पुराण रामायण ग्रंथ गीता घर में रखेंगे, दो शिवलिंग रख लो, अच्छी भली गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, पति इधर जाएगा पत्नी इधर जाएगी, इतनी अशांति रहेगी। लोग कहते नहीं नहीं हम तो फलाने बाबा जी को पूछते वही भगवान, क्यों? उनने हाथ ऐसा घुमाया, ताबीज निकाल दिया,
अरे हाथ घुमाकर ताबीज तो प्रेत को सिद्ध करने वाले निकाल लेते, शमशान की चिता की राख, ओघर तंत्र की बात बता रहे हैं, ओघर अघोरी तंत्र की बात सुन लो आप लोग, शमशान की चिता की राख को सफेद रंग की गाय के दूध में गूंथ कर शिवलिंग बनाया जाता है। चिता के ऊपर शमशान पर बैठकर 8 घंटे अघोर मंत्र का जाप किया जाता है तो पूरे संसार की जितनी मृत आत्माएं हैं दास हो जाती हैं, दास। फिर उनसे ताबीज मंगा लो, मिठाई मंगा लो, काजू मंगा लो, जब तक शरीर है तो खा लो, और मरने के बाद फिर प्रेत बनकर जन्म जन्म भटको। तुम मरे और तुम्हारे बच्चों को उन प्रेतों ने मारना शुरू किया, तुम मरे और तुम्हारे परिवार को उनने तबाह किया। प्रेत को सिद्ध करने वाले आदमी के बड़े बड़े नाखून होंगे, दिन भर खाता रहेगा, मलिन रहेगा, गंदे वस्त्र होंगे, साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं होगा, ना उसकी नज़र में कोई बहन है ना बेटी, कोई आचरण नहीं होगा। ये प्रेत को सिद्ध करने वाले के लक्षण, इनको सिद्ध नहीं करना चाहिए। हमारे जबलपुर में एक सिद्ध करे है, ये घुटने से लेके पंजे तक की पाँव की हड्डी रख के बैठा, वो हमसे बोला रायपुर में हमारा शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम चल रहा था गुड़ियारी में, 10-12 हज़ार आदमी थे, बोला गुरुदेव एक चमत्कार मैं दिखाऊं। हमने कहा बताओ। बोले आप जब रायपुर चलोगे तो शिवलिंग स्थापना करना, मैं शिव जी को ऐसे घुमा दूंगा ऐसे हवा में। तो हमने उसको कहा, हमने कहा तुम मसान सिद्ध करे हो? बोले हाँ। बोले आपको कैसे पता? हमने कहा वो छोड़ो, हमें तो काका पता, तुम्हारे बाप भी सिद्ध करे थे। बोले हाँ, वही तो हमें दे गए। हमने कहा वो तो डूबे, तुम्हें भी डुबा गए। हमने कहा आचरण ठीक नहीं, इसको छोड़ दो जल में, नहीं तो बर्बाद हो जाओ। बड़े बड़े नाखून, मकान बना है तो दीवार नहीं छपी, फटा हुआ कंबल ओढ़े। वो हमसे कहता कि जब शिवलिंग घुमाएंगे तो लोग चमत्कार से हैरान हो जाएंगे, आपको भगवान की तरह मानेंगे। हमने कहा अभी भी लोग भगवान की तरह मानते, हमें क्या ज़रूरत? और हमने कहा महाराज गलती नहीं करना, तुम एक भूत सिद्ध करे हो और हम भूतनाथ को सिद्ध करे शंकर जी को, तुम जी। तो तुम इस चक्कर में मत पड़ो, ये भ्रम है। हमने उसको डांटा, समझाया, सब बताया। तो एक दिन अगर कोई पूजन करता है किसी भगवान की, तो मृत्यु के उपरांत भगवान के लोक में 100 वर्ष तक रहने को मिलता है। ये भगवान की पूजन का फल है। अब अगर कोई प्रेत की या मरे हुए मनुष्य की पूजन करेगा तो मरने के बाद उसको प्रेत लोक में एक दिन की पूजन का फल है, प्रेत लोक में, शमशान में, मृत्यु लोक में भटकना पड़ेगा। ये सलाह है हमारी है ब्राह्मण होने के नाते। अब भैया मानना और ना मानना आपकी मर्जी। हमारी सलाह मानो तो अभी छोड़ दो, 5 महीने में आप उन्नति देख लोगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा चले तो चलने दो। और कोई सलाह हो तो बताओ। अब देखो आप चाहोगे कि हम टोटके बता दें, उपाय बता दें। अरे जब आप कोई एक बंधन करके बैठे हो, आप अपने घर में ताला लगाए हो, तो आप अंदर जाओगे कैसे? ताला तो आप ही खोलोगे ना जी। गुरु जी चाबी आपके पास जी। अब या तो भाग्य का उदय हो गया, हमारा आपका सामना होगा। अब ये और बात है कि आप मान लो और ना मान लो, आपकी मर्जी। तो आप बताओ क्या करना है आज के बाद, भगवान को पूजना है कि इनको पूजना है, क्या करना है बताओ? भगवान को पूजेंगे गुरु जी। भगवान को पूज लो, 5 महीने में परिवर्तन हो जाएगा। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, ये हमारी गारंटी जी। 5 महीने में परिवर्तन ना हो तो हम आपको कुछ बना के देंगे जी गुरु जी। गारंटी हमारी, हम अगर कुछ बना के दे दें ना, आप पहन लो 20 मंजिल से कूद जाओ, कुछ हो जाए तो महादेव को झूठ कह देना, नहीं हो सकता, गारंटी मेरी। आदमी माने तो, मानता ही नहीं आदमी, तो अपने को मानना है जी। अच्छा दूसरी बात, हमारी किसी भी बात में अगर हमारा स्वार्थ दिख रहा है तो आप बताओ। स्वार्थ कोई है नहीं, हम तो अच्छी सलाह दे रहे हैं जी। हमें ना तो काम धंधे की कमी है, ना रुपयों की, ना पैसे की, इनकी कृपा है, खूब संपन्न, कोई टेंशन नहीं जी। अब बड़े बड़े शिष्य यहीं पर बैठे हैं, पैसे की कोई तकलीफ नहीं।
तो हम झूठ झपट का काम करते नहीं, आप तो ये बंद करो, आपकी कुंडली में बाधा है, आप सुखी हो जा, ठीक है। एक पर्ची निकाल दें, धन्यवाद। क्या आप भी पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं? चिंता ना करें, हमारे गुरुदेव लाए हैं आपके लिए लक्ष्मी जी का दिव्य रहस्यमयी अर्चन, जिसके अलौकिक प्रभाव से अब तक लाखों लोग अपने आर्थिक संकटों से मुक्त होकर धनवान हो चुके हैं। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाएं। लक्ष्मी जी का चमत्कारी दरबार कोरबा में 14 और 15 सितंबर 2024 को कार्यस्थल पुराना बस स्टैंड गीतांजलि भवन कोरबा छत्तीसगढ़ में, और दूसरा दरबार 5 और 6 अक्टूबर 2024 को कार्यस्थल कलाम कोटी गोबरा नवापारा राजिम रायपुर रोड छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। धन्यवाद।